हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोसेट किट पेट्रियट्स और बर्बाडोस के बीच में 26 T20 मैच खेला जाएगा इस CPL का, और साथ ही में हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेइंग इलेवन के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना। और आप जानते हो ड्रीम इलेवन में आगे बहुत सारे मैचेस खेले जाएंगे, अगर आपको इन सारे मैचेस के कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास ही में जो बेल आइकन का बटन है आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे यार वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले भाई वीडियो को भी अपनी तरफ से एक लाइक जरूर से कर देना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बात करते हैं कि इस मैच में सेट किट पेट्रियट्स की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। क्रिस गेल जो टीम के कैप्टन और बहुत अच्छी फॉर्म में इवन लेविस, ये दोनों आपको यहाँ से कंफर्म ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। रसी वेंड डजन जो फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए नजर आ जाएंगे आपको। लास्ट मैच में उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। डेवन थॉम जो टीम के विकेट कीपर, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में। एंटम देव की जो आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बेन कटिंग बहुत अच्छे फॉर्म में, ये भी आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। कार्लोस ब्रेथवेट आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, खास करके छोटी लीग्स के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तभी आप इन्हें अपने टीम में पिक करना, क्योंकि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है बहुत ही नीचे है और इनको बॉलिंग से भी ज़्यादा विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तभी इन्हें आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। बात करते हैं फेबियन एलन की, तो लास्ट मैच में इनको मौका दिया गया था लेकिन इनका परफॉर्म भी इतना अच्छा नहीं रहा। मोहम्मद दुल्ला ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बैटिंग की थी क्योंकि इनको ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला था, तो हो सकता है इस मैच में भी इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। अलजारी जोसेफ का भी लास्ट मैच में परफॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा, और शेल्डन कोटरेल, तो ये प्लेइंग इलेवन रहती सेट किट पेट्रियट्स की लास्ट मैच में। अब अपने प्लेइंग इलेवन में एक दो टीम चेंजेस कर सकती है, हम उन चेंजेस की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं, जर्मिया लुइस, ब्रेंडन किंग और हेडन वोस, ये कुछ खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं। बात करते हैं टीम में चेंजेस के बारे में, यहाँ पे फेबियन एलन और अलजारी जोसेफ, इन दोनों का परफॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा था लास्ट मैच में, तो हो सकता है इन दोनों में से किसी की जगह जर्मिया लुइस, ब्रेंडन किंग और हेडन वोल्स, इन तीनों में से किसी दो को मौका मिल सकता है, और बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ रहने वाले। आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में एकदम सेफली पिक कर सकते हो, और अगर आप ग्रैंडली खेलते हो तो आप अपनी टीम में अलजारी जोसेफ को पिक कर सकते हो क्योंकि 90% इनके खेलने के चांसेस रहने वाले हैं। हम आगे बात करने वाले बर्बाडोस की तरफ से टीम न्यूज के बारे में, तो स्टीवन स्मिथ को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना, ये पूरे टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं क्योंकि इनको इंजरी हो गई थी और ये ऑस्ट्रेलिया वापस जा चुके हैं, तो आपको अपनी टीम में स्टीवन स्मिथ को पिक नहीं करना है। बात करते हैं हम आगे कि बर्बाडोस की इस मैच में प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। ड्वेन स्मिथ और मार्टिन गुप्ती, ये दोनों आपको यहाँ से कन्फर्म ओपनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। मार्टिन गुप्ती ने एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन लास्ट के दोनों मैचों में ये फ्लॉप रहे हैं। ड्वेन स्मिथ ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। बात करते हैं हसीम अमला की, तो ये फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते हैं, लास्ट में भी इन्होंने ठीक ठाक बैटिंग की है। साई होप भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। सेमार स्प्रिंगर को टीम में मौका दिया गया था हालांकि इनका परफॉर्म जो है इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन इस मैच में ये आपको कन्फर्म खेलते हुए नजर आ जाएंगे और ये साथ में अच्छे खासी बॉलिंग भी करा सकते हैं। निकोल्स पुरन जो टीम के विकेट कीपर, ये भी ठीक ठाक फॉर्म में है। जैसन होल्डर जो टीम के कैप्टन, इनका भी बैटिंग ऑर्डर किसी भी टाइम ऊपर नीचे हो सकता है। अगर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर होता तभी आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है, बाकी इनकी जो बैटिंग है बहुत ही मैचों में हमने देखा कि इनकी बैटिंग आती ही नहीं है। एस नर्स जो लास्ट मैच में बहुत ही महंगे साबित हुए थे, इन्होंने दो ओवर में बहुत ही ज़्यादा रन दिए थे। इमरान खान को भी दो ओवर की बॉलिंग मिली थी और इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा दो ओवर में रन दिए थे। वहाब रियाद और मोहम्मद इरफान, तो ये प्लेइंग इलेवन मिली थी लास्ट मैच में बर्बाडोस की। बात करते हैं टीम में चेंजेस के बारे में, सबसे पहले बात करेंगे हम जो खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं, ट्यून वेबस्टर, रोस्टन चेस और चेमार होल्डर, ये कुछ खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं। बात करते हैं टीम में चेंजेस के बारे में, तो एस लेनर्स और इमरान खान, इन दोनों को लास्ट मैच में दो दो ओवर की बॉलिंग मिली थी और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रन दिए थे, तो हो सकता है इन दोनों में से किसी की जगह ट्यून वेबस्टर, रोस्टन चेस और चेमार होल्डर, इन तीनों में से किसी को दो को मौका मिल सकता है, बाकी सारे प्लेयर्स आपके लिए एकदम सेफ रहेंगे। आप किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में एकदम सेफली पिक कर सकते हो। और कोई भी न्यूज आती है प्लेयर्स के बारे में, प्लेयर्स की इंजरी के बारे में, तो आप एक बार मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को भी अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो हम आगे बात करने वाले लक्की सेवन ऐप के बारे में, अगर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक मिल जाएगी और आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे रेफर कोड भी मिल जाएंगे। अगर आप इसमें मेरे रेफर कोड के साथ साइन अप करते हो तो आपको इसमें 25 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा। इस कैश बोनस को आप पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हो और आप कोई भी लीग ज्वाइन कर सकते हो, और यहाँ पर आपको
बेल आइकन का बटन दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कोई भी इसमें नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी ऑफर्स आएगा तो आप यहाँ पे ऑफर्स के बारे में देख सकते हो। हम बात करने वाले यहाँ पे जो सेट किट पेट्रियोस और बर्बाडोस के बीच में 26 CPL का मैच खेला जाएगा, तो इस मैच की हम बनाने वाले लकी सेवन की टीम। इस ऐप का नाम है लकी सेवन, तो आपको इस ऐप में 7 ऐसे प्लेयर्स को पिक करना है जो आपको लगता है इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हम अपनी टीम में सबसे पहले बेन कटिंग को पिक करेंगे बहुत अच्छी फॉर्म में। सेकंड हम अपने टीम में प्लेयर को पिक करने वाले हैं यहाँ पे इवन लेविस और क्रिस गेल, तो इन तीन प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में पिक किया है पेसेट किट पेट्रियोस की तरफ से। अगर आप चाहते हो तो एक टीम से भी आप 7 प्लेयर्स को पिक कर सकते हो। बात करते हैं बर्बाडोस के प्लेयर्स के बारे में, तो मैं यहाँ पे ड्वेन स्मिथ को अपनी टीम में लेने वाला हूँ। स्टेवन स्मिथ तो है नहीं, स्टेवन स्मिथ को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना है। मार्टिन गुप्तिल को मैं अपनी टीम में लेने वाला हूँ। आसिम अमला और साहि होप, तो इन 4 प्लेयर्स को मैंने लिया बर्बाडोस की तरफ से। तो फिर आपको यहाँ पे करना होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपको इसमें चूज करने कैप्टन वाइस कैप्टन। तो मैं अपने इस टीम में कैप्टन रखूंगा मार्टिन गुप्तिल को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया बेन कटिंग को, जो आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे करना होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जितनी भी लीग्स हैं वो आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड की लीग के बारे में, उसके बाद में 3 मेंबर वाली लीग, 5 मेंबर वाली लीग और 10 मेंबर वाली लीग। तो आपको हेड टू हेड वाली लीग ज्वाइन करनी है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करना होगा और फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में जितनी भी हेड टू हेड की लीग्स है वो आपके सामने सारी आ जाएगी। आप कोई भी लीग अपनी तरफ से ज्वाइन कर सकते हो और आप इस ऐप में अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो, क्योंकि इस ऐप में बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है और आपको सिर्फ 7 ही ऐसे प्लेयर्स को पिक करना है जो प्लेयर्स आपको लगता है इस मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो बहुत ही ईजी ये ऐप है। इस ऐप में आपको क्या जो विनिंग के परसेंटेज है वो 95 रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है आप इस ऐप में अच्छा अमाउंट विन कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार इसमें 100-200 रुपये ऐड करना होगा। अगर आप 100-200 रुपये ऐड करोगे तो मुझे उम्मीद है आप इस ऐप में कम अमाउंट डिपॉजिट करोगे और अच्छा अमाउंट आप विन करके इसमें विड्रॉ कर सकते हो, और आप अपना विड्रॉल अमाउंट है वो आप इसमें पेटीएम में भी ले सकते हो। लकी सेवन का अगर आपको इस ऐप के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा हो तो भाई इस वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर से कर देना। तो हम आगे बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में, जो मैंने आपके लिए ड्रीम इलेवन की टीम बनाई है। और अगर आपको इसी मैच की 6 ग्रेन लिस्ट की टीम चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बोल सकते हो। अगर 20 से 30 कमेंट आती है तो मैं आपको 4-5 घंटे में ही 6 ग्रेन लिस्ट की टीम भी देने की कोशिश करूंगा इसी मैच की। फिलहाल हम बात करते हैं जो मैंने आपके लिए स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग की जो टीम मैंने आपके लिए बनाई है। तो यहाँ पे आपके लिए विकेट कीपर सेक्शन के 3 ऑप्शन दिए गए। आपको अपनी टीम में इब्राहिम खलील को पिक नहीं करना, निकोल्स पुरन और डेवन थॉम्स, इन दोनों में से किसी को भी आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो। दोनों ही सेम ही फॉर्म में और जो इनका बैटिंग ऑर्डर है वो भी सेम है, कभी भी इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी टीम में निकोल्स पुरन को पिक किया क्योंकि ये थोड़े डेवन थॉम्स से बेटर बैट्समैन है। बात करते हैं हम बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे लिया अपनी टीम में क्रिस गेल को जो बहुत अच्छे फॉर्म में, हासिम अमला जिन्होंने लास्ट मैच में ठीक ठाक बैटिंग की थी, हो सकता है इसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मार्टिन गुप्तिल को मैंने अपनी टीम में लिया क्योंकि एक मैच में इन्होंने 70+ रन भी बनाए थे, तो हो सकता है इस मैच में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साहि होप को मैंने अपनी टीम में लिया बहुत अच्छे फॉर्म में, और मैंने अपनी टीम में एंटम देवकिच को लिया क्योंकि ये आपको बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। तो इन 5 बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में लिया। स्टेवन स्मिथ अवेलेबल नहीं तो आपको इन्हें अपनी टीम में पिक नहीं करना है। इवन लेविस को आप अपनी टीम में सेफली पिक कर सकते हो, लास्ट मैच में ये 0 पे आउट हो गए थे लेकिन ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ड्वेन स्मिथ जो ओपनिंग बैटिंग करने आते हैं बहुत अच्छे प्लेयर, इन्हें आप अपनी टीम में एकदम सेफली पिक कर सकते हो। आपको अपनी टीम में टॉम कूपर को पिक नहीं करना है। रस्सी वेन रेडसन आपके लिए सेफ ऑप्शन है, फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आते हैं तो आप इन्हें अपनी टीम में पिक भी कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। सेमार स्प्रिंगल को लास्ट में मौका दिया गया था और इसमें भी ये आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हो। बाकी इन चारों को आपको अपनी टीम में पिक नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहने वाले हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे बेन कटिंग और जेसन होल्डर, इन दो ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में पिक किए हैं। ऑप्शन की बात करो तो ब्रेथवेट सेफ ऑप्शन है लेकिन बहुत ही नीचे बैटिंग करने आते हैं। रोमन रेफर, रोस्टन चेस, फेवियन एलेन को लास्ट में मौका दिया गया था लेकिन इतना अच्छा इनका परफॉर्म नहीं रहा। तो यहाँ पे रोमन रेफर, रोस्टन चेस, फेवियन एलेन और टियोन वेबस्टर, ये चारों रिस्क रहने वाले हैं। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तभी आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो, बाकी महमदुल्ला आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है। बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे सेडोन कोट्रेल, वहाबिया और मोहम्मद इरफान, इन 3 बॉलर्स को मैंने अपनी टीम में लिए। एस लेनेस का मैंने आपको बता दिया, इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं। अलजानी जोसेफ भी इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं। इमरान खान भी आपके लिए इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं। चेमार होल्डर, डोमिनिक ड्रेक्स, मुझे लगता है डोमिनिक ड्रेक्स को मौका नहीं मिलेगा। जर्मिया लोइस और हेडन वॉल्स, इन तीनों में से किसी को मौका मिल सकता है। तो यहाँ से ये सारे बॉलर्स आपके लिए रिस्की रहने वाले हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो अलजानी जोसेफ के साथ रिस्क ले सकते हो, इनके खेलने के चांसेस ज़्यादा रहने वाले हैं।
तो हम यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में। तो मैंने अपने टीम में इस रखा है मार्टिन गुप्तिल को कैप्टन। मैं ये नहीं बोलता कि आप भी इस टीम में मार्टिन गुप्तिल को कैप्टन रखो। अगर आप यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना चाहते हो तो आप साई होप को कैप्टन रख सकते हो, या आप क्रिस गेल को कैप्टन रख सकते हो, हसीम अमला को भी आप कैप्टन रख सकते हो, या बेन कटिंग को कैप्टन रख सकते हो जो फोर्थ या फिफ्थ डाउन बैटिंग करने आते हैं और बैटिंग और बॉलिंग से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। लेकिन मैं अपने इस टीम में रखूंगा मार्टिन गुप्तिल को कैप्टन और वाइस कैप्टन में बनाऊंगा क्रिस गेल को। लेकिन अगर आप टीम बनाते हो तो और आपको लगता है इस टीम में एक दो जो है प्लेयर्स मिसिंग है, तो आप इस टीम में अपनी तरफ से एक दो चेंज जरूर से कर लेना और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप अपनी तरफ से इस टीम में चेंज कर सकते हो, खुद से भी एक बेटर टीम बना के अच्छा विन कर सकते हो। क्योंकि इस मैच के बारे में जो भी न्यूज़ थी वो मैंने आपको जो है कंफर्म करवा दिया है। तो हम यहाँ पे करते हैं टीम को सेव और बात करते हैं फाइनल प्रीव्यू की। तो यही मेरा फाइनल प्रीव्यू है, मैं इसी टीम के साथ खेलने वाला हूँ। अगर आप इस टीम के साथ खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बाकी कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से भी इस टीम में चेंजेस कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, एकदम फ्री, आप एकदम फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।